हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं कच्ची कैरी और पुदीना से बनी बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी ग्रीन चटनी की रेसिपी। कच्ची कैरी की ग्रीन चटनी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं कच्ची कैरी से पुदीना वाली खट्टी मीठी ग्रीन चटनी आसान तरीके से कैसे बनाएं। कच्ची कैरी की पुदीना वाली चटनी बनाने के लिए हमने दो कच्ची कैरी ली है। कच्ची कैरी को हमने साफ पानी से अच्छे से वाश कर लिया है। सबसे पहले हम दोनों कच्ची कैरी को छील लेंगे, इसके ऊपर वाले छिलके हटा देंगे। इस तरह से हमने कैरी को छील लिया है, इसी तरह से दूसरी कैरी को भी छील लेंगे। इस तरह से हमने दोनों कच्ची कैरी को छील लिया है। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हमने दोनों कच्ची कैरी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इनकी गुठलियों को अलग कर दिया है। अब हम इन्हें साइड से रख देंगे। कच्ची कैरी की पुदीना वाली खट्टी मीठी ग्रीन चटनी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है। कच्ची कैरी की पुदीना वाली ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम एक कप ताजा पुदीना ले रहे हैं। आप लोग कच्ची कैरी की पुदीना वाली चटनी बनाने के लिए मार्केट का पुदीना भी यूज कर सकते हैं। हमने मार्केट से थोड़ा पुदीना खरीद कर इस तरह से गमले में लगा दिया। आप लोग भी अपने घर पर इस तरह से गमले में पुदीना लगा सकते हो। और जब भी आप लोगों का पुदीना वाली कुछ भी टेस्टी डिश खाने का मन करे, आप इस तरह से ताजा पुदीना तोड़कर बना सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। हमने पुदीना पत्ती को गमले से तोड़ने के बाद 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से वाश कर लिया है। कच्ची कैरी की पुदीना वाली खट्टी मिट्टी चटनी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है। 1 कटोरी हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। हमने 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 टीस्पून मोटी सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा हींग पाउडर। चटनी को खट्टी मीठी और स्वादिष्ट बनाने के लिए और हमने ऐड किया है 2 टीस्पून चीनी। कच्ची कैरी की पुदीना वाली चटनी बनाने के लिए चीनी आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। इस तरह से हमने कच्ची कैरी की पुदीना वाली खट्टी मीठी ग्रीन चटनी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। कच्ची कैरी की ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने मिक्सी का जार लिया है। अब हम जार में सारी चीजें डाल देंगे। सबसे पहले हम जार में सारी कच्ची कैरी को डाल देंगे। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया। अब हम इसमें पुदीना पत्ती डाल देंगे, हींग पाउडर। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 से 3 टीस्पून के लगभग पानी ऐड कर देंगे। कच्ची कैरी की चटनी को और स्वादिष्ट बनाने के लिए अब हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच सफेद नमक। अब हम इसको 10 से 15 सेकंड के लिए मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने इनको बारीक पीस लिया है। कच्ची कैरी की पुदीना वाली खट्टी मीठी चटनी बन गई है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। चटनी को आप लोग अपने हिसाब से गाढ़ी पतली रख सकते हो। अब हम चटनी को पुदीना पत्ती से गार्निश कर देंगे। इस तरह से कच्ची कैरी की पुदीना वाली खट्टी मीठी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। कच्ची कैरी की पुदीना वाली ग्रीन चटनी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से कच्ची कैरी की पुदीना वाली चटनी बनाकर आप लोग कचौरी, समोसे, चपाती और पराठे के साथ भी खा सकते हो।
इस तरह से कच्चे कैरी की पुदीना वाली चटनी बनाकर आप लोग फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और इसका यूज खाने में 7 से 8 रोज तक कर सकते हो, ये खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी कच्ची कैरी से पुदीना वाली ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से पुदीना वाली कच्ची कैरी की ग्रीन चटनी बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।